चुनाव प्रचार अपने चरम पर है। इस बीच योगी आदित्यनाथ ने अब से कुछ देर पहले क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। ये बताते हैं प्रसन्नता है कि भारत सरकार के सहयोग से आज हम लोग ऑक्सीजन में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को उत्तर प्रदेश प्राप्त कर चुका है। हर जनपद में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन प्लांट लग चुके हैं। 551 ऑक्सीजन प्लांट हम लोगों ने पूरे प्रदेश के अंदर लगाए और आपके मेरठ जनपद में भी 29 ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए गए जिनमें से 28 क्रियाशील हैं। अभिषेक मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक, जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां पर मौजूद हैं और उनका वहां पर कार्यक्रम होने वाला है। किस तरह का ये कार्यक्रम वहां पर उनका है, अभी क्या कुछ हो रहा है, जरा वो भी बताएं। देखिए बिल्कुल श्वेता, बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बीजेपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष पश्चिम उत्तर प्रदेश की शुरुआत शाहजहांपुर के आगे से होती है, तो यहीं पर मौजूद है। संगठन के पदाधिकारियों की बैठक इस वक्त जिला कार्यालय में चल रही है। लगभग एक घंटे का समय हो चुका है, जेपी नड्डा अंदर कार्यालय में है, ये बैठक चल रही है और इसके बाद में सीधे वो भोजन के लिए जाएंगे जितिन प्रसाद के यहाँ, और उसके बाद एक महत्वपूर्ण टाउन हॉल में बैठक होनी है जहां पे जितने भी प्रभावी मतदाता उनके साथ में उनकी बातचीत होगी और फिर डोर टू डोर कैंपेन का सिलसिला शुरू होगा। डोर टू डोर कैंपेन सदर बाजार में होना है जहां पर लगभग 3:30 बजे वो मतदाताओं से मिलेंगे। बीजेपी के तमाम नेता घर घर जाकर के सरकार के काम और अपने वादों को लेकर के पहुंच रहे हैं, उसी की कड़ी में आज जेपी नड्डा भी शाहजहांपुर में है। इसके बाद बरेली मंडल वो जाएंगे जहां पे शाम को वहां भी उनका डोर टू डोर कैंपेन और वहां भी वो वहां के पदाधिकारी और जिला के जितने भी पदाधिकारी उनके साथ में मुलाकात करेंगे। यानी कि अगर सीधे मायनों में श्वेता समझे तो शाहजहांपुर, चूंकि दूसरे चरण में इस क्षेत्र में चुनाव के वोटिंग होनी है, लेकिन शाहजहांपुर से जुड़ा हुआ जो पूरा बेल्ट है गन्ना किसानों से लेकर के तमाम जितने भी जातिगत समीकरण है वो यहां से पश्चिम की तरफ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं शाहजहांपुर बरेली और इस मंडल की तमाम जितनी सीटें हैं वो बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए आज खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा न सिर्फ बैठक ले रहे हैं, कार्यकर्ताओं को बूथ के गुर सिखा रहे हैं, बल्कि डोर टू डोर कैंपेन के जरिए भी मतदाता से सीधे जुड़ने का वो काम करेंगे। बिल्कुल, आप सभी हमारे साथ बने रहे, आपसे और हम जानकारी लेंगे। लेकिन इस बीच आपको बता दें, जाट वोट की लड़ाई ऐसी है कि बीजेपी ने जयंत चौधरी को बीजेपी में आने का ऑफर दिया, लेकिन ये ऑफर छोटे चौधरी को नहीं भाया। लोगों के मन में अगर कोई नाराजगी किसी बात को लेकर किसी के मन में है, तो जब चुनाव निकट आता है तो सबके मन में होता है कि कैसी सरकार बनानी है, कैसा मुख्यमंत्री बनाना है, और मैं हम काफी आगे हैं। आम लोग मन में जो हमारे किसी बात से नाराज था उसके मन में भी ये बात है कि नहीं भाई, सरकार बीजेपी की बननी चाहिए, योगी को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। हम वेस्टर्न यूपी में अखिलेश यादव को पसंद नहीं कर पाते, ऐसे कारण 12 से 17 के बीच में बहुत रहे हैं कि अखिलेश हमें हजम ही नहीं होते, तो धीरे धीरे पॉजिटिव ही होगा। ये लोगों को सोचना होगा कि हम तो भाईचारे की बात कर रहे हैं, हम जोड़ने की बात कर रहे हैं और ये अविश्वास पैदा करने की बात कर रहे हैं। इनका मूल मुद्दा ही ये है, कैराना पलायन और मतलब इस तरह का एक जो बंटवारा है उस बंटवारे को जिंदा रखना चाहते हैं, वो जो दर्द है, वो जो पीड़ाएं हैं लोगों की, उसे याद दिलाना चाहते हैं। तो हम लोग पॉजिटिव पॉलिटिक्स की तरफ अपने आप को ले जाना चाह रहे हैं। गठबंधन ऊपर है, नीचे नहीं है। दिल्ली लखनऊ में गठबंधन हुआ, ये कोई वोट ऐसी चीज नहीं, वो नहीं होती कि किसी के कहने से किसी को खुद दे दे वोट। मैं खुद मांगूंगा अपने लिए, अलग बात है। मैं दूसरे को हूं, तीसरे की वोट दे दो, इतना आसान नहीं है वोट का ट्रांसफर के किसी को दो। उनकी इच्छा है, गठबंधन वे स्वतंत्र है। 12 से 17 का जो दौर रहा है वो पश्चिम उत्तर प्रदेश में अपराधीकरण का दौर था, गुंडागर्दी का दौर था, दंगों का दौर था। हम ब्लैकलिस्टेड थे, सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं था, मतलब ये कह सकते हैं। और यहाँ मुख्यमंत्री के रूप में अखिलेश नहीं थे, आजम खान थे। उन्होंने बात तो मीठी करी है, लेकिन उसके पीछे जो उनका एक डिजाइन है, जो इंटेंट है और जिस उद्देश्य के साथ उन्होंने ये संदेश दिया है, उसमें एक राजनीतिक षड्यंत्र मुझे लग रहा है, उसकी बू मुझे आई है। और इसलिए मैंने तुरंत उसको सफाई दी अपने तरफ से, ताकि कहीं कोई नुकसान हम लोगों का ना हो पाए। वो ये चाहते हैं कि एक तो जाट आइसोलेट हो, हम लोग जाट की राजनीति नहीं करते।